एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मामा अर्थ का ये वाला फेस वॉश का रिव्यू। ये जो फेस वॉश है ये टी ट्री फेस वॉश विद टी ट्री एंड नीम के साथ आता है। मेरे पास जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है ये 100 ml का प्रोडक्ट क्वांटिटी है। ये जो इसका जो पैकेजिंग है कुछ इस तरीके से आता है। इसके अलावा भी ये 250 ml का जो क्वांटिटी वो भी आता है। ये पैराबिन एंड SLS फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। और गाइस ये भी क्लेम करते हैं कि ये आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को निकालता है, आपके स्किन को बिल्कुल डीपली मॉइस्चराइज को ये खत्म नहीं करता। ये जो प्रोडक्ट है ये लिक्विड फॉर्म में आता है, ये मेड इन इंडिया है, यहाँ पर बताया गया है मेड इन इंडिया है और यहाँ पर सब कुछ प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताया गया है। गाइस ये जो प्रोडक्ट है ये आपको डायरेक्ट मामा अर्थ के वेबसाइट पे मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट में मिलेगा। इसके अलावा भी मिंत्रा, अमेजोन, नायका, वहाँ पर भी मामा अर्थ का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से 10-5% तक भी कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मामा अर्थ के वेबसाइट से अगर आप लेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे डिस्काउंट में मिलेगा। मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा है मामा अर्थ के वेबसाइट से, मुझे ये 200 के अंदर मिल गया था। जिन लोगों के फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने एंड पिंपल है हाईली, ये उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी आपके स्किन में अगर रेडनेस हो, कोई बहुत ज़्यादा एक्ने हो तो उसके लिए ये वाला प्रोडक्ट है, ये मामा अर्थ क्लेम करते हैं। बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ करके मुझे कैसा लगा। अगर आपके फेस में 2-4 दाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं 2-4 दाने हैं, तो डेफिनेटली उससे वो ये सूख देता है और थोड़ा बहुत पिंपल भी होगा तो ये उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करता है। इस प्रोडक्ट का जो सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगा ये ना, आपके स्किन को बहुत एक अच्छा सा ग्लो देता है। आपका जो स्किन टोन है वो ही रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत फेयर हो जाता है, आपका जो स्किन टोन है उसमें एक ग्लो प्रोवाइड करता है। वैसे तो मामा अर्थ क्लेम करते हैं कि उसके प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होते हैं और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, जिसके वजह से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है हर एक चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है। जैसे कि मुझे देखा, मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं नहीं बोलूँगी कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मुझे हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी जिसके वजह से मेरे स्किन पर भी थोड़ा बहुत दाने एंड पिंपल आ गए थे, जो कि अभी तक भी 1-2 है। ऐसा कभी कभी वेदर चेंज के वजह से भी होते हैं, इसके लिए मैंने ये वाला प्रोडक्ट को परचेस किया है। गाइस मुझे लगता है जो हम लोगों का जो स्किन का एक्चुअल चीज़ होता है, कुछ भी आप अप्लाई क्यों ना करें, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड क्लीनिंग, ये तीन चीज़ों को लेके कभी भी हर्ष केमिकल वाला या फिर बहुत ही वियर्ड स्मेल वाला चीज़ हम लोगों के स्किन में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। मामा अर्थ को मैं पर्सनली ये बताना चाहूँगी कि ये जो फेस वॉश है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका जो स्मेल है बहुत ही ज़्यादा घटिया है। लगता है कि इसके स्मेल मुझे पसंद नहीं आया, इसके वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे जो स्किन पे दाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, ऐसा फील भी हुआ है। मुझे लगा कि मेरे स्किन पे तो ऑलरेडी दाने हैं, इसके वजह से मैंने 1 महीने तक इसे यूज़ किया, मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट तो नहीं दिखा, मुझे बुरा रिजल्ट दिखा है कि मेरे दाने बढ़ रहे थे। मैं यही सजेस्ट करूंगी जिन लोगों का स्किन मेरी तरह स्मेल से एलर्जिक है एंड की स्किन अगर मेरी तरह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा अगर आपके फेस पे पिंपल है, कोई भी हर्ष स्मेल वाला चीज अपने स्किन पे अप्लाई ना करें। जिन लोगों को मेरी तरह सेंसिटिव स्किन है बहुत ज्यादा, तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलूंगी, वरना ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपके स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो कर देता है। ये वाला प्रोडक्ट ना मुझे तो उतना सूट नहीं किया, उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर मेरा स्किन उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता तो डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। तो मैं आप लोगों के साथ मेरा ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है, आई होप इससे आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प होगा। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मामा अर्थ के वेबसाइट से खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।